देखिए, ये नाचे नागिन गली गली का गाना भी हमने दिखाया आपको। इसके निर्माता हैं दुर्गा प्रसाद मजुमदार और राजकुमार आर पांडे, और मैंने इसको डायरेक्ट किया है। मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और एक बहुत बड़ा मौका है मेरे लिए कि राजकुमार जी का पिक्चर मुझे मिला डायरेक्ट करने के लिए, और आदिशक्ति और साईदीप के बैनर तले ये फिल्म मैंने कम्प्लीट किया। फिल्म की पूरी शूट हमने झारखंड में किया है, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी वगैरह मिल रही है भोजपुरी वाले को और भी फिल्मों को, तो एक तो वो थी, और दूसरी चीज़ काफ़ी खूबसूरत जगह है झारखंड, खासकर रांची, तो हमने वहीं पे पिक्चराइज़ किया। और ये फिल्म में हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो निशा दुबे हैं, प्रियंका पांडे है, रितेश पांडे है और अर्जुन सिंह है। बाकी हमारे बेलू भाई हैं जो बहुत बड़े डायरेक्टर भी हैं, संजोग से उनके साथ भी काम करने मौका मिला। एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है, ये फिल्म का टाइटल है नाचे नागिन गली गली, तो ऐसा लगता है कि ये भी कोई हम मतलब मणि वगैरह से रिलेटेड पिक्चर बनाए होंगे, लेकिन एक्चुअली इस तरह की फिल्म है नहीं है। ये फिल्म एक ऐसे साइंटिस्ट की है जो सांपों के अंदर से उसका विष निकाल के और एक ऐसा टैबलेट तैयार करता है कि जिसको किसी भी आदमी को खिलाने के बाद में वो सेंसलेस हो जाता है, और फिर उसके बाद उस आदमी के साथ में जो भी चाहे आदमी करवा सकता है, उसे मानव बम में यूज कर सकता है, उसे किसी का हत्या करवाया जा सकता है, कुछ भी कराया जा सकता है जो आतंकवादी ईरान, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान वगैरह में कर रहे हैं। तो उसी साइंटिस्ट से और एक सांप से इसकी लड़ाई है इस फिल्म में, और उसको किस तरह से हीरो और हीरोइन मिल करके उसके टारगेट को पूरा नहीं होने देते हैं, इसी के विषय में ये सब्जेक्ट है। जैसे कि ये कितना रिसर्च किया है, इस फिल्म कोई काल्पनिक है या सच्ची घटना नहीं? ये अभी हम लोगों ने सुना है कि वैसे भी आप लोग जानते हैं कि सांप का जो जहर होता है उससे बहुत सारे मेडिसिन तैयार किए जाते हैं, तो हमने सुना है कि सीरिया वगैरह में जितने भी आतंकवादी जो आतंक फैला रहे हैं और जो लोगों का गला रेत रेत के मार रहे हैं, वो ऐसा आपको भी पता होना चाहिए कि कोई भी आदमी होशो हवास में तो इस तरह का काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर आदमी पास में दिल होता है। तो उसको सांप के जहर से उसको इस तरह से उसके दिमाग को चेंज कर दिया जाता है, जो हमारे शरीर में जो इंद्रिया होती है जो काम करती है, जो अच्छा भला बुरा हम लोग को समझ होती है, उस चीज़ को वो बिल्कुल निष्क्रिय कर देता है, जिससे आदमी किसी का भी हत्या करना उसको अच्छा लगता है, कहीं भी जाके किसी भीड़ में किसी का गोली चला देना उसको अच्छा लगता है। तो ये लगभग एक सही स्टोरी है जो सांपों से, लेकिन हमने थोड़ा इसको एक फिल्मी रूप दिया है, और चूंकि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए उस हिसाब से हमने इंटरटेनिंग के हिसाब से इसको लेकर के हमने एक मैसेज दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सांपों का भी अपना एक दुनिया है और उसके विष का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। कैसा रहा एक्सपीरियंस कोस्टार के साथ काम करना? गाना बहुत अच्छा है क्या? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको गाना अच्छा लगा और हमने कोशिश किया है। देखिए, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, आजकल ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े स्टार के साथ काम कर रहे हैं तो फिल्म चलेगी, और आप नए स्टार के साथ काम करें तो फिल्म नहीं चलेगी। सबसे बड़ी बात होती है कंटेंट पे, डायरेक्शन कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, सब्जेक्ट क्या है, म्यूजिक कैसे हैं। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्टों की उसमें कोई वो नहीं है, आर्टिस्टों का पूरा भरपूर सहयोग मिला, खासकर जो भी हमारे आर्टिस्ट मेरे साथ यहाँ से काम किए। और सबसे अच्छी बात है कि राजकुमार आर पांडे जी का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, जिससे आपको गाना बहुत अच्छा लगा। तो हमने तो सिर्फ पिक्चराइज़ किया है, क्योंकि म्यूज़िक वो बहुत अच्छा बनाते हैं, और उनका बैनर है, उनका साथ है, उनका कोऑपरेशन है, उनका आइडिया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फिल्म अच्छी चलेगी और दर्शक इसको पसंद करेगा। कब तक रिलीज हो जाएगी फिल्म? देखिए, होली से पहले तक का टारगेट है हम लोगों का। पिक्चर तो लगभग हमारी कंप्लीट हो गई है, डबिंग फाइनल होगी, DI कंप्लीट हो गई है, मिक्सिंग होगी, और हमारे समझ से 1 महीने के अंदर हमारी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। बाकी टारगेट हम लोगों का फरवरी से लेकर मार्च तक रिलीज करने का। ट्रेलर कब तक लॉन्च हो जाएगा? ये ट्रेलर भी हम लोग 15 से 20 दिन के अंदर में इसको लॉन्च कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आइटम सॉन्ग नहीं है, डांस का सॉन्ग है, और अभी मैं अपनी फिल्म नाचे नागिन गली गली की डबिंग के लिए आई हुई हूँ। आज फाइनल हो गया फिल्म, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे अच्छे से हो गया, और बहुत जल्द आप सबके बीच रिलीज भी होगी फिल्म, जिसके प्रोड्यूसर हमारे राजकुमार पांडे जी और दुर्गा प्रसाद जी हैं, और डायरेक्टर मनोज नारायण जी हैं। तो फिल्म बहुत अच्छी बनी है, और हम सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत की है। उम्मीद है कि देखने वालों को बहुत मज़ा आएगा और फिल्म हमारी सुपरहिट होगी। क्या कैरेक्टर लाइक ऐसा बोल सकते हैं कि श्रीदेवी जी की फिल्म आई थी चालबाज, उसमें श्रीदेवी का डबल रोल था, एक बहुत भड़की हुई और एक बहुत सीधी सादी से लड़की, तो वो इसे सीधा सादा सा कैरेक्टर है मेरा। मैं और रितेश पांडे जी एक साथ हैं, और हम दोनों बहुत भोले, बहुत मासूम हैं, जैसे पूरी फिल्म में हम लोगों का शोषण हुआ है। हमारे डायरेक्टर जो है मनोज
मनोज नारायण जी पूरी फिल्म में हम लोगों को रुलाया है, बस रोते हुए नजर आएंगे, कहीं कहीं गाने में बस डांस करते नजर आएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और भी सबसे बड़ी बात कि मेरे सिटी में, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और झारखंड में ही फिल्म शूट हुई है रांची में, तो ये मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि अपने शहर बहुत बड़ी फिल्म है, जैसा कि सभी मीडिया वाले जानते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मेगा स्टारर फिल्म है, बहुत सारे स्टार्स में एक साथ काम कर रहे हैं और मैं एक अहम हिस्सा मेरा भी है, मैं भी उसमें काम कर रही हूँ। बहुत मज़ा आया काम करके। फिरोज़ खान जी उसके डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हमारे प्रदीप भैया हैं, तो अच्छे लोग हैं, सभी लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा आया और खुशी है कि सब लोग मुझे अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। कैरेक्टर क्या है आपका? कैरेक्टर मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो फिल्म देखने के बाद मालूम चलता है, तो मैं अब बहुत चला के मैं नहीं बताऊँगी कैरेक्टर। भोजपुरी के सभी दर्शकों से यही कहना है कि हंसिए मुस्कुराइए खुश रहिए। नोटबंदी का बहुत बुरा असर हुआ सबके ऊपर, हम लोग बहुत गरीबी स्थिति में जी रहे हैं, तो आप सब भी थोड़ा कॉपरेट करिए और खूब मजे करिए, खूब इंजॉय करिए। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। नए साल में मेरी बहुत सी फिल्में रिलीज हो रही है, जैसे नाचे नागिन गली गली, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, स्वर्ग, रुद्रा और भी बहुत सारी फिल्में हैं जो लाइन बाय लाइन अभी रिलीज़ होने वाली है। तो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी लोग मेरी फिल्में ज़रूर देखें और अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रहें, जैसे एल्बम में आप लोगों ने सपोर्ट किया, फिल्मों में भी सपोर्ट करें। और न्यू ईयर में भी मेरा एक नया एल्बम आने वाला है, न्यू ईयर डिपेंडेंट गाना नहीं है बट न्यू ईयर में आने वाला है, तो मैं एक लाइन सुना देती हूँ। इससे पहले भी ये गाने बहुत सिंगरों ने गा चुके हैं, इसलिए फिर मैं भी थोड़ा सा रिपीट। मैंने दंगल देखी नहीं एक्चुअली, मैंने सुनी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, तो मैं तो हाँ, नीतीश कुमार जी ने बिहार में दारूबंदी का जो ऐलान किया है, इसका बहुत अच्छा असर होने वाला है। स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम हो रही है लेकिन बाद में यही चीज़ सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ये हमारी पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। नया साल आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया? मैं यहाँ बॉम्बे में रहती हूँ, फैमिली तो यहाँ है नहीं, पर अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती हूँ और हम दोनों फ्रेंड ने अपने घर पे ही खूब मस्ती करी, कहीं बाहर नहीं गए। फैमिली कब आने वाली है? रहती हूँ और फैमिली फिलहाल अभी बनारस में है मेरी, तो वो भी आ जाएंगी घूमने। शादी कब करिएगा? आपको करनी है मुझसे शादी? शादी का भी कुछ सोचा नहीं है, देखिए इन फ्यूचर, अभी कुछ ऐसा प्लान है नहीं। किसी के सामने से ऑफर आया? ये इंसान मार खाएगा मेरे से। मास्टर रिकी, नाचे नागिन गली गली आप लोग हमारे नए साल के अवसर पे आप लोग देखें। और मुझे लगता है कि ये फिल्म सबसे अच्छी और सबसे मतलब सबसे अच्छी और सब मतलब निशा जी का जो डांस था और निशा जी का जो डांस है माइंड ब्लोइंग, और एक अच्छी एक्ट्रेस है वो, और हम चाहते कि वो बॉलीवुड में भी अपना कदम रखे। मेरा नाम मास्टर रिकी हुआ और ये मूवी जो है नाचे नागिन गली गली, दिस इज़ द बेस्ट, भोजपुरी में सबसे अच्छी मूवी है। तो अभी मतलब बहुत सारे मूवी में भी कोरियोग्राफ किया, बॉलीवुड इंडस्ट्री सुपर डांसर्स, अच्छे अच्छे रियलिटी शोज़ में मैंने डांस कोरियोग्राफ किया, और एज ए मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। और इस फिल्म में कितने डांस? इस फिल्म में मेरी दो सॉन्ग से, एक आइटम सॉन्ग से और एक लव सॉन्ग से। हाँ, और नया साल आ रहा है, शुभकामनाएं दे दीजिए। हाँ, नए साल के तरफ से हमारे जितने भी बॉलीवुड बॉलीवुड और टॉलीवुड मूवी, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की जितने भी आर्टिस्ट है, जितने भी डायरेक्टर, जितने भी प्रोड्यूसर है, मास्टर रिकी की तरफ से अच्छे से शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे दर्शकों को।
मैं संजय भूषण पटियाला, फिल्म प्रचारक। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक और ही नई तरह की फिल्म लेकर आ रहे हैं मनोज जी, जिस फिल्म का नाम है नाचे नागिन गली गली। और इस फिल्म के निर्माता हैं राजकुमार आर पांडे, जो पहली बार फिल्म को एज ए प्रोड्यूसर आए हैं, दूसरे फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं, और प्रेजेंटर है दुर्गा प्रसाद। आइए जानते हैं मनोज नारायण जी से कि ये नाग नागिन के ऊपर कुछ फिल्में तो बहुत सारी आ चुकी है, लेकिन इनका इसमें क्या खास है? देखिए, इसमें खास बात यह है कि ऐसा लगता है नाचे नागिन गली गली नाम सुनकर के कोई वही मणि वगैरह के ऊपर से रिलेटेड पिक्चर होगी, लेकिन ये उससे रिलेटेड फिल्म नहीं है। हम लोगों ने इसमें एक मैसेज डाला है। वैसे आप लोग जानते होंगे कि जो विषैला सर्प होता है उसके विष से बहुत सारा मेडिसिन वगैरह तैयार किया जा रहा है, और आपको ईरान में, इराक में, सीरिया में और अफगानिस्तान में जितने भी आतंकवादी हैं उसको सांप के जहर से एक ऐसा टैबलेट तैयार करके दिया जाता है जिसको खाने के बाद आदमी सेंसलेस हो जाता है, और उसके बाद उससे जो भी कुछ करवाइए आप देखते होंगे, गला रेत करके मारना, वो लोगों को बम ब्लास्ट, मानव बम बन करके जाके वहाँ ब्लास्ट करके हज़ारों लोगों को मार देना, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब तक आदमी सेंसलेस नहीं हो तब तक ऐसा काम नहीं कर सकता है। और उसी से रिलेटेड ये हमारी फिल्म है। तो एक विदेशी आदमी है जो हमारे झारखंड में आ गया, चूँकि आपको पता है कि झारखंड सांपों का एक राज्य है और वहाँ सांपों की पूजा की जाती है और विभिन्न प्रकार के सांप वहाँ पाए जाते हैं। जिस तरह से वहाँ पे इंसानों को वो सम्मान मिलता है, उसी तरह वहाँ के जीव जंतु को भी सम्मान दिया जाता है। तो वहाँ से वो एक इच्छाधारी सांप, सांप नाग और नागिन को वो लोग कलेक्ट करता है, एक पाकिस्तानी आदमी है, और उसके विष से एक पॉइजन तैयार करता है। लेकिन हमारे जितने भी फिल्म के नायक और नायिका हैं वो लोग मिलकर उसके मिशन को नाकाम करते हैं, और इसी से रिलेटेड बाकी फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। मुझे हमेशा रानी चटर्जी या बड़े-बड़े हीरोइनों को लेकर बनाते थे, इस बार निशा दुबे और प्रियंका पंडित को लेकर बनाया, कितना सपोर्ट इन दोनों ने दिया आपको? देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने रानी के साथ भी काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और आज मैं निशा जी के भी साथ काम किया और प्रियंका जी के भी साथ काम किया और अपने रितेश पांडे के साथ भी काम किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आजकल की फिल्में जो है वो स्टार कास्ट के वजह से फिल्में नहीं चलती है, आजकल डायरेक्टर का डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए, म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को अगर इस तरह का सब्जेक्ट मिले और इस तरह का प्रेजेंटेशन मिले तो वो भी कुछ भी कर सकता है। और मेरे साथ तो राजकुमार आर पांडे का सहयोग है, उनका म्यूज़िक है, फिर हमारे साथ दादा दुर्गा प्रसाद जी जुड़े हुए हैं और आपके जैसे दोस्त हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे जो आर्टिस्ट हैं इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बहुत मज़ा आया काम करके। निशा पांडे की कुछ अच्छी बुरी बातें याद है? देखिए, निशा पांडे नहीं, निशा दुबे नाम है इनका, और मैं मुझे लगता है कि आज आप नाम भूल रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब हर आदमी के जबान पर निशा दुबे ही छाया हुआ रहेगा। और मेरी प्रार्थना है भगवान से और आशीर्वाद है निशा दुबे को कि इसी तरह से जिस तरह से परफॉर्म किया इन्होंने आगे भी परफॉर्म करे। निशा दुबे एक नए लड़के के साथ इसमें परफॉर्म करते हुए नजर आ रही हैं, कितना दोनों का कॉम्बिनेशन रहा, एक्सपीरियंस केमिस्ट्री कैसा रहा? जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है वो बहुत ही बढ़िया रहा, और एक आर्टिस्ट chemistry. जो भी केमिस्ट्री है वो तो मैं भोजपुरी के लिए मुझे लगा कि वो लड़का भी अच्छा सपोर्ट किया, चूँकि पहली बार उसने भी कैमरा फेस किया, पहली बार हमारे साथ काम किया, और निशा जी चूँकि बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं तो इन्होंने जो उसका वीकनेस था उसको मैनेज कर दिया, और एक आर्टिस्ट का ये नेचर होना चाहिए अपने से अगर जूनियर आर्टिस्ट है उसको सपोर्ट करने का, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी मतलब जोड़ी लगेगी फिल्म में देखने के बाद। फिल्म में जिस तरह से सांपों को लेकर बनाया गया, तो आपके पास कोई रिसर्च था, कोई मिनिस्टर की तरफ से कोई रिसर्च किया गया इस फिल्म को, जो स्क्रिप्ट थी, क्योंकि आप एक इम्पॉर्टेंट इशू को उठा रहे हैं, तो किस तरह का रहा आपके पास स्क्रिप्ट के बारे में? देखिए, आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो सांपों का देश है, और वर्ल्ड में सबसे खतरनाक विषैला और जो भी कहिए, हमारे हिंदू समाज में लोग सांपों को भगवान शिव का मतलब उनका रक्षक मानते हैं, या भगवान शिव के साथ उनका जो भी है आप जानते हैं रिलेशन है सांपों का। तो हमारे देश में जो सांपों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, खासकर फिल्मों में हुआ करता था तो उसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, लेकिन अभी जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो हमको और आपको पता नहीं है। आपको शायद ये पता होना चाहिए कि हमारे झारखंड में बहुत बड़ा सांप और बहुत खूबसूरत सांपों की वहाँ पे बस्ती है, जिसको लोग मार करके उसके छाल को बेचते हैं, उसके विष को निकाल करके उसको गलत यूज़ करते हैं, और सांपों के ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत तरह तरह का यातनाएं उसको दिया जाता है। तो ये जो रिसर्च है ये भी एक फाइनल और सही रिसर्च है, लेकिन हमने इसको थोड़ा फिल्मी रूप दिया है क्योंकि इंटरटेनमेंट भी चाहिए दर्शक को, और उस मैसेज को हमने इसमें डाला है जो आज इराक, सीरिया और हर जगह लोगों को, आपको पता होना चाहिए कि आज के लड़कियों को भी सांप का मीट खिला करके उसको बेहोश करके उसको बहुत सारा चीज़ें बहुत तरह की इसकी दुरुपयोग हो रही है, तो उस पर हमने फोकस किया है
और बाकी आपके माध्यम से पिक्चर कितनी पसंद आती है दर्शक को, ये उनके ऊपर डिपेंड। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस के साथ और पूरी कास्ट के साथ, इसके बारे में बताइए, और किस तरह का किरदार इस फिल्म में आपका? मुझे बहुत मज़ा आया, मैं मनोज सर के साथ पहली बार काम की हूँ, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हम खासकर टेक्नीशियंस की बात करें तो हमारे जो DOP थे या फिर हमारे जो डांस मास्टर थे, एक्शन मास्टर थे, सभी लोग बहुत क्लास के थे। और एक बोल सकते हैं बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला सर के साथ काम करके, इनकी टीम के साथ काम करके। कैरेक्टर एक बहुत ही रिजर्व लड़की का कैरेक्टर बोल सकते हैं, जो कि बहुत बचपन से बहुत डरी सहमी हुई घर में, जिसको बहुत टॉर्चर करते हैं उसकी फैमिली वाले, इस टाइप का कैरेक्टर है। सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, फिल्म भी देखना है ना आप लोगों को। निशा दुबे में वो क्या चीज़ है कि दूसरे फिल्म के प्रोड्यूसर आपको कास्ट करे? देखिए, अगर अपनी खुद से तारीफ नहीं कर सकती, पर आपने पूछा इसलिए बताती हूँ कि नहीं, वो मैं बता देता हूँ। भैया एक खूबसूरत डांसर हैं, खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, और डायरेक्टर को कोऑपरेट करती हैं, और अगर जो कोई भी सीन हो उसको उसमें डूब जाती हैं। इससे बेटर एक आर्टिस्ट के लिए और क्या होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि ये ऑलराउंडर हैं, और इनको मौका देना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे निर्देशकों से जो इस तरह के टैलेंट को अपने फिल्मों में ब्रेक दे। जैसे कि वो गाते भी है मैडम, तो क्या करें? अरे मैं भूल गया था, वो सिंगर भी है। मैं चूंकि इतना ज़्यादा खूबियाँ इनके अंदर, मैं सब कुछ बता नहीं सकता, बाकी तो आप इनसे बात करिए। एक्चुअली मैं भी वही कहना चाह रही थी कि अभी तक हमारी इंडस्ट्री में केवल मेल हीरो ही ऐसे हैं जो कि सिंगिंग भी करते हैं और एक्टिंग भी करते हैं। तो ये मेरी सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि पहल है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कि मैं पहली लड़की हूँ जो कि सिंगिंग भी कर रही है, एक्टिंग भी कर रही है। मुझसे पहले मेरे गुरुजी ने भी किया था, कल्पना जी ने भी स्टार्ट किया था, पर एक दो फिल्मों के बाद उन्होंने कोशिश बंद कर दी। पर मैं उस चीज़ को लेके झंडा लेके उठी हूँ, तो आगे तक जाऊँगी, मैं सिंगिंग भी करूँगी, एक्टिंग भी करूँगी, सारी चीज़ें। तो यही प्लस पॉइंट मेरे अंदर बोल सकते हैं। आपको लगता नहीं कि आप बॉलीवुड में भी जा सकते हैं? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर ऊपर वाले ने चाहा, किस्मत में, तो ज़रूर जाएंगे। तो कौन से एक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे बॉलीवुड में? तीन खानों में से? नहीं, सारे लोग अच्छे हैं, सारे लोग, क्योंकि बॉलीवुड के स्टार्स हैं तो हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते, बट मुझे सभी लोग पसंद है। हाँ, अगर न्यू जनरेशन में बोलूं तो आई लव टाइगर श्रॉफ। अगर हम बात करें नोटबंदी से, कुछ असर पड़ा है भोजपुरी जगत को? देखिए, जिस वक्त हमारी शूट चल रही थी उस पीरियड में हमें परेशानी तो हुई, खाने पीने की परेशानी हुई, और उस पीरियड में ये ATM सभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन हम लोगों ने मैनेज किया और अभी सब तो ठीक लगता है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मोदी जी का सपना है, भगवान करे वो पूरा हो और हमारा देश आगे बढ़े। आपको क्या लगता है नोटबंदी से कितना असर हुआ है, क्या सही फैसला लिया मोदी जी ने? जैसा कि सर ने कहा, हम जब शूट पे थे तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई, शूट के लास्ट समय में नोटबंदी हो गई, और बहुत आर्टिस्ट वहाँ पे थे, इतना बड़ा हमारा पूरा स्टाफ था वहाँ पे, सारे लोग, तो बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी। लेकिन फिर भी हमारे सर ने बड़ी मुश्किल से कॉपरेट किया, सब कुछ एडजस्ट किया कैसे कैसे, तो उस वक्त बहुत परेशानी, उसके बाद अब कोई परेशानी नहीं है, और हम ज़्यादा पैसे हैं नहीं तो परेशानी का सवाल उठता नहीं। नया साल है आज, तो किस तरह का सेलिब्रेशन किया और एक शुभकामनाएं दे दीजिए? मैंने तो अपने घर पर ही सेलिब्रेट किया है, हमारे सर आए हुए तो सर से पार्टी लेनी है अभी, क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी बनाई है तो पार्टी तो बनती है, तो सर हमारी पार्टी देंगे ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे अपने टीम को पार्टी देंगे, और नए साल में मैं अपने चैनल वालों को ये शुभकामनाएं देता हूँ कि पूरा ये वर्ष आपका सुखाल हो, खुशमय हो, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ती रहे आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से, और हमारी फिल्म को देखते रहिए, और सारे फिल्म वाले लोगों को अपना प्यार देते रहिए, बांटते रहिए। और मेरी तरफ से भी सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामना न्यू वर्ष की, और मेरी जो भी लगातार फिल्में आ रही है, नाचे नागिन गली गली, स्वर्ग, रुद्रा, और भी बहुत सारी फिल्में लाइन बाय लाइन है, तो सभी को देखिए और अपना आशीर्वाद प्यार हम सभी कलाकारों पे यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच।